हेलो एवरीवन, द वेल्दी मिस्टर को आप सबको स्वागत करता हूं। आज का हमारा केस स्टडी है एमआरएफ टायर के ऊपर। हम इस कंपनी का डिटेल फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे। तो एमआरएफ और एमआरएफ टायर इज एन इंडियन मल्टीनेशनल टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ टायर इन इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ी टायर मैन्युफैक्चरर एमआरएफ है। इट इज़ हेडक्वार्टर इन चेन्नई। इसका जो हेडक्वार्टर आपको चेन्नई तमिलनाडु में पाया जाता है। The word MRF come from the company's initial days. It was called Madras Rubber Factory. तो इसका जो initial नाम है वो Madras Rubber Factory, इसका abbreviation और short form में MRF बोला जाता है। Company manufacture rubber products including tire, threads and tubes and conveyor belt भी का production, paints and toys, ये सारे सेगमेंट में ये काम करती है। टायर थ्रेड्स ट्यूब्स कन्वर बेल्ट पेंट्स एंड टॉयज ये बनाती है। एमआरएफ आल्सो रन्स एन एमआरएफ पेस फाउंडेशन इन चेन्नई एंड एमआईडीडी, जो कि एमआरएफ इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइवर डेवलपमेंट इन चेन्नई, ये ड्राइवर डेवलपमेंट के लिए भी काम करती है। एंड एमआरएफ लिमिटेड हैज इमर्जेस एज वर्ल्ड सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट टायर मेकर। ये पूरा दुनिया का सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट टायर मेकर है विथ ए ट्रिपल ए ब्रांड ग्रेड। तो ये जो कंपनी है ये दोनों हमारा NSE एंड BSE में लिस्टेड है। उसके साथ साथ ये टायर्स रबर प्रोडक्ट्स बनाती है। इसकी जो ये जो फाउंडेड वो तिरुभोटी और माड्रास तमिलनाडु 1946 में हुआ था। और इसके फाउंडर KM मैमन है जो मामी पिल्लाई। और हेडक्वार्टर इसका चेन्नई तमिलनाडु में पाया जाता है। पूरा दुनिया भर में अपना बिजनेस वर्ल्ड वाइड बिजनेस ये एस्टैब्लिश करके बैठा है। इसके जो की पीपल के बारे में बात किया, जो KM मेनन इसके चेयरपर्सन है, चेयरमैन है। राहुल मेनन मापलाई इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है। इसका जो प्रोडक्ट ये टायर, अपना टॉयज, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, कन्वेयर बेल्ट, पेंट एंड कोर्स में काम करती है। तो देखिए कितना सारा सेक्टर में ये अपना बिजनेस मतलब स्प्रेड करके बैठा है। इसका जो रेवेन्यू है वो 23,261.20 crore है एज पर 2023 के रिकॉर्ड के हिसाब से। ऑपरेटिंग इनकम इसका 2,389.10 crore है। नेट इनकम इसका 769 crore है। इसका टोटल एसेट 24,369.40 crore का टोटल एसेट है। टोटल इक्विटी इसका 14,707.70 crore का इसका एसेट है। एज पर 2023 के रिकॉर्ड के हिसाब से इस कंपनी में 19,050 एम्प्लॉइज काम करते हैं। तो दोस्तों ये था कुछ एमआरएफ के बारे में। चलिए इसका फाइनेंशियल को और अच्छे तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये जो कंपनी, इसका जो मार्केट कैपिटल की बात किया जाए तो इसका मार्केट कैपिटल 59,865 crore का है। इसका जो मार्केट कैपिटल आपका 59,865 crore का है। और उसका जो करेंट प्राइस, इसका पर शेयर प्राइस आज के डेट में 1,41,646 crore का है। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉक का प्राइस 1,41,646 rupees है अभी के आज के दिन में। और ये इंडियन शेयर मार्केट का सबसे बड़ा स्टॉक प्राइस है। इसका जो स्टॉक PE 35.4 है। बुक वैल्यू इसका 37,328 rupees है। डिविडेंड ये 0.12% का डिविडेंड यील्ड करता है। इसका ROCE 7.43% है। ROE इसका 4.87% है। और इसका फेस वैल्यू 10 rupees है। मतलब आगे जाके ये स्टॉक स्प्लिट कर सकता है, लेकिन क्योंकि ये स्टॉक बहुत दिनों से मतलब इनफैक्ट स्टार्टिंग होने से आज तक स्प्लिट ही नहीं किया, इसीलिए इसका करंट प्राइस इतना ज़्यादा दिखा रहा है, जो कि 1,41,646 rupees में ये ट्रेड कर रही है स्टॉक एक्सचेंज में हमारा। तो चलिए हम इसके प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर एक नज़र डालते हैं। प्रोज के बारे में बात किया जाए, प्रोज में इतना कुछ पॉजिटिव उसमें दिखाई नहीं देता, लेकिन नेगेटिव बात करते हो, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 3.79 times इट्स बुक वैल्यू एंड कंपनी हैज़ डिलीवर पुअर सेल ग्रोथ। 9% का पुअर सेल्स ग्रोथ दिखाया लास्ट 5 years में, क्योंकि शायद इसका ये जो एवरेज है कोविड की वजह से हो सकता है, या फिर आजकल मार्केट में इसके बहुत सारे कंपटीटर भी आ गए। कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी, दैट इज 6.19% ओवर लास्ट 3 years। डिविडेंड पे आउट हैज बिन लो एट 8.04% ओवर प्रॉफिट ओवर 3%। इतने सारे नेगेटिव पॉइंट्स इसमें दिखाई दे रहा है दोस्तों।
इसके पेयर कंपैरिजन के बात किया जाए तो इसके जो पेयर कंपैरिजन में आपका बालकृष्णा इंडस्ट्रीज जिसका P37.47 है, अपोलो टायर जिसका P21.78 है, जेके टायर इंडस्ट्रीज जो कि 24.44 है, सीए टायर्स आपका 15.65 है, टीवीएस श्रीचक्र जिसका शेयर प्राइस या पी आपका 32.11 में है, गुड टायर्स इंडिया जिसका आपका P23.49 है। इसके हिसाब से देखा जाए तो पी आपका जो MRFP ठीक ठाक है, कुछ ख़राब नहीं है, पी रेशियो तो अच्छा दिखा रहा है। अभी चलिए प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखते हैं, हम लोग पिछले 3 साल का प्रॉफिट क्या हुआ है और लॉस हुआ है, किस तरह से ये आपकी कंपनी बना रही है, प्रॉफिट बना रही है, लॉस बना रही है, वो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो 2000 मार्च 2021 में जो नेट प्रॉफिट आपका 1277 करोड़ का था, मार्च 2022 में ये जो आपका नेट प्रॉफिट घटकर 669 करोड़ का हुआ, 2023 में थोड़ा बढ़ के 769 करोड़ का हुआ। तो देखा जाए तो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट बना रही है, लेकिन आप शायद ये जो डिक्रीज हुआ है 2021 के बाद 2022, ये शायद कोविड का इफेक्ट की वजह से डिक्रीज हुआ है। चलिए उससे पहले कि हम लोग 3 साल का देख लेते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ 2018 में प्रॉफिट 1132 करोड़ का था, मार्च 2019 में प्रॉफिट 1131 करोड़ का, मार्च 2020 में प्रॉफिट 1423। तो ऑब्वियसली ये जो 2021 के बाद गिरावट देखने को मिली, ये शायद कोविड की वजह से ही हुआ था। तो चलिए हम लोग इसके जो स्टॉक प्राइस CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की बात किया जाए तो इस कंपनी का 5 साल का CAGR 19% और 10 साल का CAGR 22%, बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन स्टॉक, ये जो स्टॉक अपने शेयर होल्डर को बहुत ही बढ़िया रिटर्न प्रोवाइड किया है। इसके बैलेंस शीट के ऊपर एक नज़र डाल देते हैं, इसके बैलेंस शीट के ऊपर बात किया जाए तो आज पर मार्च 2022 इसका जो टोटल एसेट 23,060 करोड़ का है, मार्च 2023 में जो एसेट 24,369 करोड़ का है, सितंबर 2023 में नेट एसेट टोटल एसेट आपका 25,809 करोड़ है। मतलब इसका एसेट में कंटिन्यूस इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, ये पॉजिटिव साइन होता है इंक्रीमेंट आपका इन्वेस्टमेंट की तरफ। हाँ, प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा अप डाउन हो रहा है, प्रॉफिट मार्जिन कम या ज़्यादा हो रहा है, और वो जो इफेक्ट हम लोग 2022 में देखें ये कोविड की वजह से हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। तो चलिए हम लोग इसके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रोमोटर के पास, FIs, DSN, पब्लिक के पास कितना कितना शेयर है वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो पब्लिक आपका प्रोमोटर के पास 27.75% का, FIs के पास 19.58% का, DIs के पास 11.19% का, एंड पब्लिक के पास इसका 41.48% का शेयर होल्ड के रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रोमोटर के पास इतना ज़्यादा क्वांटिटी का होल्डिंग नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसमें बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट किए, लगभग 30% का इन्वेस्टमेंट आपका इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का है, और पब्लिक के पास भी मतलब मार्केट में भी इसका 41.48% शेयर ट्रेड हो रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा सिग्नल होता है, मतलब इतने सारे खरीदारी और बेचा जा रहा है इस स्टॉक में, मतलब इतना सारा ट्रेडिंग हो रहा है MRF शेयर में, जो कि एक पॉजिटिव साइन देता है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अभी इसके चार्ट के ऊपर एक नज़र डालते हैं, किस हिसाब से ये कंपनी जब से रजिस्टर हुआ किस हिसाब से आपका रिटर्न प्रोवाइड किया है। तो आप यहां देख सकते हैं अभी के टाइम पे इसका जो शेयर प्राइस 1,41,753 रुपीज़ दिखा रहा है, और इसका अगर मैं 1 मंथ का रिटर्न की बात करूं तो यहां पे आप देख सकते हैं 7.45% का रिटर्न आप देख सकते हैं, 1,31,920 रुपीज़ आपका एक महीने पहले था, और 9,832 रुपीज़ सिर्फ एक महीने में ये अपने इन्वेस्टर को बना के दिया है। तो चलिए हम इसका 6 मंथ का पैटर्न देखें, जो 30.99% का रिटर्न प्रोवाइड किया है, कितना बढ़िया और कितना बेहतरीन, जो कि 33,537.20 रुपीज़ है लास्ट 6 महीने में, इतना बढ़िया रिटर्न दिया 6 महीने पहले,
मतलब 7 अगस्त 2023 को शेयर प्राइस 1,08,216 में ट्रेड कर रहा था और आज के डेट में 1,41,753 में ट्रेड कर रहा है, जो कि अपने इन्वेस्टर को लगभग 30.99% और 31% का रिटर्न, बेहतरीन रिटर्न ही आपने इन्वेस्टर को बना के दिया है। तो चलिए अब हम लोग वन ईयर का रिटर्न देख लेते हैं। वन ईयर का रिटर्न बोले तो 52.95%, कितना बढ़िया, मतलब पर शेयर, पर स्टॉक, एक ही स्टॉक में 49,075, लगभग 50,000 का रिटर्न एक ही स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ एक साल में ये अपने इन्वेस्टर को बना के दिया है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया रिटर्न प्रोवाइड किया है अपना इन्वेस्टर को, जब एक साल पहले 92,677 में ट्रेड कर रहा था और आज के डेट में 1,41,753 में ट्रेड कर रही है, कितना बेहतरीन। चलिए इसका 5 साल का रिटर्न देखें तो दोस्तों देखिए कितना बेहतरीन, जो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखा है, कितना बढ़िया रिटर्न आपने इन्वेस्टर को दिया है। आप यह देख सकते हैं 5 साल पहले 8 फरवरी 2019 को शेयर प्राइस 56,415 में ट्रेड कर रहा था और आज के डेट में पर स्टॉक वो 85,302 सिर्फ और सिर्फ 5 साल में एक ही स्टॉक में रिटर्न प्रोवाइड किया है, जबकि 151.11% होता है। और अगर मैं इस प्राइस को, इस चार्ट को मैक्सिमम में कर दूं, आप देख सकते हैं ये जो कंपनी शेयर मार्केट में 8 जनवरी 1999 को लिस्टेड हुआ था, जो कि 1,900 उसका पर स्टॉक का प्राइस था, और आज के डेट में वो अपने इन्वेस्टर को 7,360% लगभग एक स्टॉक में 1,39,000 लगभग 1,40,000 सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टॉक में अपने इन्वेस्टर को बना के दिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना बढ़िया रिटर्न ये कंपनी बना के दिया है। अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अच्छे से जानिए, स्टॉक आगे स्प्लिट भी हो सकता है, इतना ह्यूज प्राइस पकड़ के बैठा है तो आगे स्टॉक स्प्लिट भी हो सकता है। तो आप इसका फाइनेंशियल, आप इसके बिजनेस को अच्छे से जानिए, ये कोई इन्वेस्टमेंट टिप्स रिलेटेड वीडियो नहीं है कि आप यहाँ से वीडियो देख के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने सूझबूझ से ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट ना कीजिए। और दोस्तों आपको डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट का, आपको अगर शेयर मार्केट में आप नए हैं, आपको डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट जरूर चाहिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां से जाके लिंक में क्लिक करके आप शेयर मार्केट रिलेटेड आप इन डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट चालू कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और हाँ, आपको मैं कुछ अच्छा बुक, जो कि इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बुक्स होते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड और नॉलेज गेन करना है, आप वो बुक्स ज़रूर पढ़िए और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको इस ये वीडियो कैसा लगा, और अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर लिखिए। हमारा इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।